नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे अपार कैसे देखा जाता है, वह भी मोबाइल से। अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं तो आपको अपनी अपार को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि अपार का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप प्रमोशन में JEE का एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भी LDC का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें अपार का महत्व है। अगर आपको प्रमोशन में MSCP से भी अगर आपको प्रमोशन हो रहा है तो वहाँ भी अपार का महत्व है। अपार मीन्स क्या होता है? एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। तो आप वीडियो में बने रहें, आपको दिखाते हैं कि अपनी अपार मोबाइल से कैसे देख सकेंगे। सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स पे आप टिक कर देंगे। 3 डॉट पे टिक करने के बाद आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में टिक कर देंगे। ये देखिए डेस्कटॉप साइट है। डेस्कटॉप साइट टिक करने के बाद आप सर्च बार में APAR अपार लिख कर आप सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको देखिए इस तरह से कुछ खुलेगा। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये देखिए आएगा लॉगिन इंडियन रेलवे HRMS। तो ये HRMS आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ देखेंगे, उसके बाद ये अपना ID को आप लॉगिन कर लेंगे। तो ये ID अपना अपना आप डाल सकते हैं। तो ये ID है, उसके बाद आप कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद एक OTP आएगा जो इस प्रकार है। आपको OTP इसमें भर देना है। फिर वेरीफाई OTP पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको इस प्रकार देखिए खुलेगा। ये खुलने के बाद देखिए आपका ये ID खुल गया है। तो आप खुलने के बाद यहाँ देखिए एरो पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ आएगा अपार, फिर अपार पे टिक कर देंगे। और अपार में अपार हेल्प, व्यू अपार, अपील अगेंस्ट अपार, सर्च अपार, अपील 2020 एंड 2021, तो इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। तो आपको व्यू अपार पे टिक करना है। तो व्यू अपार आप करेंगे, उसके बाद अपने ईयर को सिलेक्ट करेंगे। तो आपको देखिए 2021 का देखना है या फिर 2021-22 का देखना है। तो अगर 2021-22 का देखना है तो आप इस तरह से देखेंगे। देखने के बाद यहाँ आएगा व्यू अपार, तो व्यू अपार पे इस तरह से आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपको देखिए क्लिक हेयर टू डाउनलोड PDF, तो इस PDF पे आप ऐसा टिक करेंगे और बाद में ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद देखिए इस तरह से अपार आपका खुल गया है। तो अपार को आप देखिए ये क्या क्या अपार में रहता है। पहले नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उसके बाद डेजिग्नेशन, पार्ट ए जो है आपका डिटेल रहता है, और पार्ट बी जो है असेसमेंट का डिटेल रहता है। तो आपको सबसे बड़ी बात है पार्ट बी देखना चाहिए, आपको क्या क्या नॉलेज है उसके बारे में आपको यहाँ दिया है। तो सबसे मेन जो होता है अपार के लिए, आपको 12 नंबर कॉलम जो है देखना है। जो देखिए 12 नंबर कॉलम में आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, ये देखिए आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग मीन्स बहुत बढ़िया होता है। इसमें 5 तरह का दिए जाते हैं, बिलो एवरेज, एवरेज, गुड, वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप अगर 1900 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे हैं तो आपको गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग इस तरह से दिखाएगा। अगर आप 1800 ग्रेड पे में हैं तो आपको इस तरह से आपका अपार नहीं दिखाएगा। तो आपको कैसे दिखाएगा? तो आपको दिखाएगा नंबर के हिसाब से। अगर वहाँ पे ओवरऑल 40 मार्क है तो समझ जाइए कि आपका आउटस्टैंडिंग है। अगर 32 है तो आपको वेरी गुड है, और अगर 24 है
तो आपको गुड है, इसी तरह से आप अपना देख सकते हैं। तो आपको ये हर साल आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपार में किसी तरह से आपको गलत मार्क दिया तो आप अपार अगेंस्ट कंप्लेन करके आप जो है अपार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसमें फिर से सुधार किया जाएगा और आपको फिर से उसमें जो है अच्छी तरह से मार्क दिया जाएगा। तो आप अपनी अपार को अपने जिम्मेदारी के साथ ज़रूर देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे ऐसे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।